ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਹੀ ਹੈ Z4। यह विंटेज कार है विद रिमोट कंट्रोल है। ये तुहानू दो कलर मिल जाएंगे, जिवें एक तुसी मैरून कलर देख रहे हो, एक क्रीमिश कलर देख रहे हो। तुसी विद रिमोट कंट्रोल है, फुली चार्जेबल है, डबल बैटरी डबल मोटर। रिटेल दे विच 6500 वेचते पे हैं। ये अंदर दो ऑप्शन होंगे ने, एक फ्रंट फॉरवर्ड है एक बैक फॉरवर्ड है। बटन दबावे बैक चला जाएगा, बटन दबावे अगे आ जाएगा। लाइट्स देख रहे हो तुसी, LED लाइट्स लगी हुई ने, होर ये टायर स्विच भी लाइट्स है ने। लुधियाना पोस्ट देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। लुधियाने के मशहूर सरदार जी टॉयज़ असी एक बार फिर तो आए हैं उन्हां दी जवाहर कैंप नगर वाली शॉप पर। कुछ नवा अज वो लैके आए ने, नवे खिलौने आए ने, जाके देखते हैं, तुहानू भी दिखाने हैं व्हाट्स न्यू इन देयर एट सरदार जी टॉयज़ इन लुधियाना। सो हुण असी सरदार जी टॉयज़ के टॉप फ्लोर ते आ चुके हैं। कुछ नवे प्रोडक्ट्स कवल बग्गा जी सानू दिखाएंगे, साडे नाल फिर तो एक बार जुड़ चुके ने, काफ़ी बिजी थोड़ा शेड्यूल है सर। वेलकम बैक टू लुधियाना पोस्ट। थैंक यू सो मच। मैं थोड़े सारे व्यूवर्स मनीत जी थैंक्स कहना चाहना, उन्होंने थोड़े चैनल द्वारा सानू बहुत प्यार किया है। मैनू बहुत रिव्यूज़ आए हैं, बहुत मैसेजेस आए हैं मैनू कि कुछ अलग वैरायटी देखने मिली। जेड़े कस्टमर साढ़े नाल नहीं भी जुड़े हुए सी वो भी जुड़े, मैं थैंक्स कहना चाहवांगा तुहाडे सारिआं दा ते मनीत जी तुहाडा भी। अच्छा तुसी एक विंटेज कार की गल कर रहे थे जो मेरे फोन पर तुहाडे नाल गल हुई कि नवा कुछ स्पैशल दिखाओगे। मैं वो देखने लिए बड़ा एक्साइटेड हाँ, तो साडे व्यूअर्स भी देखना चाहते ने। विंटेज कार है विद रिमोट कंट्रोल है। मैं तुहानूं चला के दिखाना। ये तुहानूं दो कलर मिल जाएंगे, जिवें एक तुसी मैरून कलर देख रहे हो, एक क्रीमिश कलर देख रहे हो। तुसी विद रिमोट कंट्रोल है, फुली चार्जेबल है, डबल बैटरी डबल मोटर। होर क्वालिटी इन्नी अच्छी है, रेट इहदा बहुत ही रिजनेबल है। असी इहनूं रिटेल दे विच 6500 वेचदे पए हां, 6500 रुपये सेल कर रहे हैं। तुसी एक साल के बच्चे लिए या दो साल के बच्चे लिए तीन साल के बच्चे लिए कुछ देख रहे हो तो उहदे लिए बहुत अच्छा और रिजनेबल गिफ्ट है। इस रेट के इन्नी अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल भी एंटीक मॉडल है, विंटेज ऑलवेज है ही एंटीक। अपने व्यूवर्स को कहना चाहवागा कि अगर तुसी शॉपकीपर हो, अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर आप UP से हैं, हिमाचल से हैं, आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, अपना विजिटिंग कार्ड मेरे नंबर पर आप सेंड करें और आपको हमारी सारी PDF जो हम होलसेल में डील करते हैं आपको उसी टाइम पहुंच जाएगी। मेरा नंबर है 9256350000। ये मेरा नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर ही देंगे मनीत जी, तो मैं आपको ऑलवेज़ वेलकम करना चाहूँगा। हमारे पास होलसेल के लिए वैरायटी बहुत अच्छी है और रेट आपको सबसे अच्छे मिलेंगे। आप कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे प्राइसेस दिल्ली और बॉम्बे के साथ। अच्छा भाजी मतलब तुसी रिटेल तो करते ही करते हो, नाल होलसेल का भी थोड़ा काम है, तो ये बारे थोड़ा जहा दसो कि कित्थे कित्थे तक कस्टमर आता है तो होर की करते हो होलसेल दे विच। देखो मनीष जी ऑलरेडी काम कर दी पे हाँ, लगभग सारे ही कस्टमर आते हैं हिमाचल तो, पंजाब आप कवर कर दी पे हाँ, हरियाणा भी नाल जुड़े हुआ है, राजस्थान भी नाल जुड़े हुआ है, तो यह सारे कस्टमर साढ़े को आती है। अच्छा भाजी ये बड़ा स्मार्ट मोटरसाइकिल लग रहा है, ये लग रहा है हार्ले डेविडसन के? नहीं नहीं मनीष जी R1 है, यह तो लिखा भी हुआ है R1। जी हाँ जी R1 है। मैं तुहानू कहना चाहवागा कि इस तो वधिया बाइक कोई हो नहीं सकता। ये अंदर बैटरी वड्डी है, रीचार्जेबल है, इसते वेट कपैसिटी अप टू आप 75 kg आराम ना चढ़ा सकते हैं। देखो राहुल जी बैठे ने इन्हें चला के दिखा रहे हैं, देखो तुसी यह देखो तुसी, ये अंदर दो ऑप्शन होंगे ने, एक फ्रंट फॉरवर्ड है एक बैक फॉरवर्ड है। बटन दबावे बैक चला जाएगा, बटन दबावे अगे आ जाएगा। लाइट्स देख रहे हो तुसी, LED लाइट्स लगी हुई ने, होर ये टायर स्विच भी लाइट्स है ने। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर तीन मिल जाएंगे, रेड ब्लू एंड वाइट।
R1 क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, होर एदा अगर कस्टमर्स इन होलसेल ही लेना चाहन के शॉपकीपर्स तो अपना विजिटिंग कार्ड सानू सेंड करन, होर असीं उन्हां नू अपना होलसेल जो PDF लिस्ट होएगी उन्हां नू सेंड कर देवांगे। मनीष जी एदा देखो एदा रेट अलग अलग वरायटी तो शुरुआत हो जाती है, साढ़े कोल जिहड़ी बाइक की शुरुआत है 3000 तो शुरुआत है। अच्छा, ते होर अगला केड़ा बाइक दिखा रहे हो? हाँ जी, या की दिखा रहे हो? मैं अगला बाइक इंट्रोड्यूस करना चाहवांगा बुलेट मॉडल। अच्छा, बुलेट मॉडल बिल्कुल नवा आया है, बहुत शानदार मॉडल है और बुलेट वर्ग ही सॉलिड है। वो है क्रूज बाइक है, जिवें BMW बाइक्स आते हैं, जिवें हार्ले डेविडसन आते हैं, कुछ उदा दी लुक दा बाइक है। और इत्थे साढ़े पंजाब दे कस्टमर इनू बुलेट दा नाम दिता होया, तो साढ़े लड़के भी इनू बुलेट ही कहिंदे ने। बहुत अच्छी लाइट्स है, LED लाइट्स है, टायर स्विच लाइट्स है और वेट कपैसिटी है इत्थे भी तुसीं 75 kg दी चढ़ा सकते हो। पिछे दो व्हील ने, अगे सिंगल व्हील है, इत्थे शॉकर्स लगे हुए ने, शॉकर वाला बाइक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और हैंड एक्सीलेटर है, हैंड एक्सीलेटर है। यह देखो जी, वेट कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों चलता है, रीचार्जेबल है, जिवें असी अपने मोबाइल से चार्ज कर लें। भाई जी वैसे असी बेबी वास्ते क्रैडल देखने आए हैं जी। अच्छा, कितों आए तुसी? पटियाले तो जी। पटियाले तो स्पेशल तुसी टॉयज़ देखना है? इत्थे कोट आए हुए सी तां साडा सीगा वी इदन कोट जावांगे नाल ही टॉयज़ देख के आवांगे। नाओ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਜ਼ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰੂਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਟੌਕ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਭਾਅ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਹੀ ਹੈ Z4। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੋਰ ਓਪਨੇਬਲ ਹੈ। ਡੋਰ ਓਪਨੇਬਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੋਰ ਓਪਨੇਬਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ LED ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਲੂਟੂਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬਲੂਟੂਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂਟੂਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੌਂਗ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸੇਮ ਸੌਂਗ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੈ 1 ਈਅਰ ਦਾ, ਅਪ ਟੂ 6 ਈਅਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, 3 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, 2 ਈਅਰ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਗਾਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਫੀਚਰ ਚਲਾਤਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮਨੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 20 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟੋਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ Z4 ਕਾਰ 7500 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਪੀਸ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 7500 ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 10 ਪੀਸ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 7500 ਹੀ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 1 ਪੀਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 7500 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫੁੱਲ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ, Z4 ਗੱਡੀ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਐਂਡ ਬਲੂ ਕਲਰ। ਕਲਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਰਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ UK ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਡੰਪ ਟਰੱਕ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਸੈਂਡ ਪਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ,
अच्छी है, साइज़ भी बहुत वड्डा है जी। बच्चे मान लो कोई 8 साल का बेबी है, 7 साल का, 9 साल का, 10 साल तक का बच्चा बैठ सकता है। अच्छा, यानी प्रॉपर एक ट्रक की लुक दी इन्होंने, जिवें हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो इंडिया से तो नहीं मैं देखे पर बाहर जरूर आप देखते हैं, तो जो लिवर वगैरह लगे ने जो गारबेज थ्रो करने वास्ते, डंप थ्रो करने वास्ते बने, वह भी बड़े सॉलिड लग रहे हैं, तो क्वालिटी अच्छी लग रही है। और एक्सीलेटर भी चल सकता है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लीवर लगे हुए हैं, किदा किदा ऑपरेट करना है, पेन ड्राइव सिस्टम है ही है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ही है। देखो तुसी पूरा स्पिनिंग व्हील ने 4x4 है, चारों व्हील चलते पे 4x4 है, 6 मोटर्स ने ये अंदर, 4 मोटर उत्ते लगिया ने जी टायर्स अंदर, बाकी 2 मोटर्स लगिया ने हैंडल दे अंदर। अच्छा भाजी हुण की दिखान लगे हो? मैं टेबल चेयर दिखाना चाहवागा जी। यह टेबल चेयर दे विच असी मटीरियल यूज करते एक्शन टेसा का, एक्शन टेसा वो मटीरियल है जो अजक मॉडलर किचन घर के बनती है, वो मटीरियल असी यूज करते हैं। यह वुडन फर्नीचर के बच्चों के जो कलर कॉम्बीनेशन घर का रूम का होंगे, वो पेरेंट्स आके सू दसते हैं कि वह कलर कॉम्बीनेशन के अनुसार टेबल चेयर बना दो। जिवें कि तुम यह देख सकते हो असी इतने अल्फाबैट्स लिखे हुए हैं। हुण अगर कस्टमर कहें इतने पेपा पिक बना दो, इतने डोरेमोन बना दो, यूनिकॉर्न बना दो, मैं तुम दिखाना चाहवागा ये असी अलग अलग साइज़ क्रिएट करते हैं। कलर कॉम्बीनेशन फिर कहना चाहवागा असी प्रॉपर 100% कस्टमाइज करते हैं। अगर उन्होंने कहता ऑरेंज एंड ग्रीन सानू पसंद है, सानू पर्पल पसंद है, सानू येलो पसंद है, असी कस्टमर के ऑर्डर लैके उन्होंने अनुसार ही असी कस्टमाइज करते हैं टेबल चेयर। असी स्पैशलिस्ट इस चीज़ के है कि जो मॉडलर किचन की फिनिशिंग आती है उस तो भी अच्छी असी फिनिशिंग ये प्रोवाइड तुम्हें करवाने। बहुत कुछ अच्छ तुम दिखाया तो मैं जो भी आना तो कुछ नवा वेख के जाना, तो ये थोड़ा जो जज्बा है बड़ा वधिया लगता है, तो बच्चों के वास्ते इन्ना कुछ सोचते हो, इन्नी मेहनत करते हो, यह सारी वाहेगुरू की कृपा न, सच्चे पातशाह की कृपा नाल, गुरु साहब की कृपा नाल ही होंगी है जी, दाते की कृपा नाल होंगी है। मैं कहना चाहना कि देखो कस्टमरस वो गुरु नानक सच्चे पातशाह सानू भेजते हैं, तो साढ़े अंदर जोश भी ता ही आता है। तो जे तुसीं इन्हां दा टॉयज़ प्रति जज्बा देखना चाहते हो तो टॉयज़ किदां दे इत्थे हैगे ने ओ तुसीं अगर हले तक नहीं देखे तो पक्का तुसीं कुछ मिस कर रहे हो। लुधियाने दे विच मैं कहांगा बल्कि पूरे पंजाब दे विच सरदार जी टॉयज़ वर्गी शॉप नहीं हैगी फॉर द टॉयज़। हुण मैं तुहाडे तों इजाजत लैना कवल बग्गा जी दे नाल, वेखते रहो लुधियाना पोस्ट, मिलांगे अगली बारी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।